पाकिस्तान में रहने वाले मुखलिस और इस्लाम पसंद भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों, वल्लाही आप हमारे दिलों की धड़कन है। आपने तो अपने बेटों को बिना किसी परवाह किए कश्मीर में जहाद के लिए रवाना किया और इनकी शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहनों ने तो अपने जेवर उतार कर जहाद कश्मीर के नाम कर दिए। मेरे अजीज़ों, आपका जान और माल दोनों जहाद कश्मीर में इस्तेमाल हुए हैं। आपने तब भी जहाद कश्मीर की मदद करना नहीं छोड़ा जब पाकिस्तान की जालिम और अमरीका की गुलाम फौज और हुकूमत ने आप पर मजालिम के पहाड़ तोड़े और अभी भी तोड़ रहे हैं। आपने तो आपका माल उनके लिए जिनकल हो इस्लाम के लिए इस नारे को सुनकर ही अपना माल जहाद कश्मीर के लिए सरफ कर दिया। यकीनन ये इस्लामी अखुवत की अजीम मिसालों में से एक है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और जुल्म जबर से निजात दिलाकर शरीयत के साये तले आपकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान में जहाद कर रहे मुखलिस मुजाहिदीन आपके खैरख्वाह हैं। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके आपके लिए शरीयत के निफाज के रास्ते की निशानदेही की है और आपने भी उन्हें मायूस नहीं किया है। इन भाइयों ने अमरीका और इसके हवारी पाकिस्तानी हुकूमत और फौज दोनों के खिलाफ जहाद का आलम बुलंद करके शुजात और कुर्बानियों की एक अजीम तारीख रकम की है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।